हेलो एवरीवन, माय नेम इज टाइटस और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना वही सेम एक्सरसाइज 21B फ्रॉम द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और हम वही सेम बुक फॉलो करेंगे कंसाइज मैथमेटिक्स बाय सेलिना पब्लिशर्स एंड दिस इज बुक फॉर क्लास 10। ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का बिट 7 वहां से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 1 से 6 तक हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का बिट 7 साइन ए हो गया यहाँ पर और इसलिए यहाँ पर वी हैव 1 एंड हियर वी हैव साइन स्क्वायर ए इनटू किसका डेनोमिनेटर वी हैव कॉस ए एंड हियर वी हैव 1 एंड सिंस इन डेनोमिनेटर वी हैव 1 इन हियर सो मल्टीप्लाई कॉस ए दैट विल बिकम कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, हम ले सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इनटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, ये कॉस ए कॉस ए कटा, ये साइन ए साइन ए कटा, तो हमारा ऊपर आंसर में आ गया साइन ए कॉस ए। ठीक है, लेकिन हमको आंसर चाहिए ये 1 बाय 10 ए प्लस कॉट ए, तो हम क्या करेंगे यहां पर विल मल्टीप्लाई साइन ए कॉस ए और इन डिवाइड करेंगे साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कटा और यहां पर एक रहा 1, यहां एक 1 रहा, तो हमारे ये हो जाएगा 1/1 बाय साइन ए कॉस ए। ठीक है, ध्यान से आप, तो 1 यहां आ गया, ये साइन ए कॉस ए कट गया, 1/1 बाय साइन ए कॉस ए हो गया। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट को चेंजेस करना नहीं क्योंकि हमारा एक पार्ट मिल गया, अब नीचे को देखते हैं। तो 1/1 बाय साइन ए कॉस ए, 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो ये 1 को हम क्या कर दिए, इसको लिखे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए, इसको फिर हम सेपरेट कर दिए, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। यहां से एक साइन ए कॉस ए सॉरी साइन ए साइन ए कट गया और यहां से कॉस ए कट गया, तो हमारा कितना बचा 1/ साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, तो साइन ए कॉस ए होता है टेन ए और कॉस ए बाय साइन ए होता है कॉट ए, सो आवर आंसर इज 1 बाय साइन ए बाय कॉस ए इज टेन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए इज कॉट ए। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू दिस, सो नाउ वी हैव प्रूव्ड एन इज इक्वल टू आर इज, सो क्वेश्चन नंबर 1 का बिट 7 प्रूव्ड। अब हम आते हैं बिट 8 पे, देखते क्वेश्चन में क्या है, सो वी हैव 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी, सो 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी होल स्क्वायर प्लस 10 ए माइनस 10 बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है sec square a into sec square b, sec square a into sec square b। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, सो हम इसको देखिए अगर फॉर्म a प्लस b होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे इसको, तो ये हो गया 1 प्लस 10 a into 10 b
होल स्क्वायर प्लस टू टेन ए इंटू टेन बी हो गया। ये पार्ट वन सॉल्व करेंगे, फिर प्लस अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हो गया टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी माइनस टू टेन ए इंटू टेन बी, ठीक। हम डालेंगे ये वाला ब्रैकेट, अब ब्रैकेट ओपन। तो ये हो गया हमारा वन प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी प्लस टू टेन ए टेन बी प्लस टू टेन ए टेन बी प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी माइनस टू टेन ए टेन बी टू टेन ए टेन बी प्लस टू टेन ए टेन बी माइनस टू टेन ए टेन बी। हम इसको काट दिए, बाकी हमारे रह गया वन प्लस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी। अब एक काम कर सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी को रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये टेन स्क्वायर ए को मैं यहां ले आऊंगा, इस होल टर्म को मैं इधर ले आऊंगा, तो हो गया ये। सो वन प्लस टेन स्क्वायर ए फिर प्लस इसको लिखे टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी प्लस ये टेन स्क्वायर बी टेन स्क्वायर बी, ठीक है। सो फ्रॉम हियर ये हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस यहां सब निकाल देंगे टेन स्क्वायर बी और हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस वन ए प्लस वन। यहां टेन स्क्वायर ए प्लस वन, यहां टेन स्क्वायर ए प्लस वन, पुल आउट कर देंगे कॉमन, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला टर्म, इसका काम खत्म। सो अब यहां से हम क्या करेंगे, ये हमारा है वन प्लस टेन स्क्वायर ए कॉमन बाहर निकाल दिए, पर एक वन डाल देते हैं तो अंदर रह गया कितना वन प्लस टेन स्क्वायर बी। सो वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज sec स्क्वायर ए और ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर बी। सो हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर वन का बिट नाइन पे। सो क्वेश्चन नंबर वन बिट नाइन, वन बाय cos a प्लस sin a माइनस वन, वन बाय cos a प्लस sin a माइनस वन प्लस वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन इज इक्वल टू कॉस ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू कॉस सेक ए प्लस सेक ए, ठीक है। सो ये वाला देखो, इसको हम एक टर्म करेंगे और इसको एक टर्म दो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा डेनोमिनेटर में हो गया कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इंटू कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन इंटू कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन, और न्यूमरेटर में आ गया कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन, ठीक। फिर प्लस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कट जाएगा।
फिर हमारा रहा ये cos a plus cos a हो गया 2 cos a plus sin a डिवाइडेड जैसे मुड़ रहा था दिस इज द फॉर्म a minus b और a plus b तो ये होल टर्म को मैं ले लूंगा a ये हो गया b ये हो गया a ये हो गया b तो ये हमारा हो जाएगा cos a plus sin a whole square minus 1 ठीक अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर सेम रहेगा 2 टाइम्स cos a plus sin a होल डिवाइडेड था एक्सपेंड करेंगे cos स्क्वायर a plus sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a plus sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a प्लस 2 sin a cos a माइनस माइनस वन माइनस वन ठीक है सो नाउ ये हमारा हो गया 2 cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a हो गया 1 प्लस 2 sin a cos a माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल ठीक है बाकी हमारा रह गया टू टाइम cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाय 2 cos a sin a 2 टू कैंसिल अब इसको स्प्लिट कर देंगे तो cos a बाय cos a इनटू sin a प्लस sin a बाय cos a इनटू sin a तो cos a कैंसिल यहां रह गया 1 sin a कैंसिल यहां हो गया 1 तो ये हो गया 1 बाय sin a प्लस 1 बाय cos a 1 बाय sin a प्लस 1 बाय cos a ये हो गया cos a प्लस sec a cos a प्लस sec a सो हेंस प्रूफ ls इज इक्वल टू आर दिस तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से 9 बिट था 9 बिट खत्म हो गया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे सो क्वेश्चन नंबर 2 So if x cos a plus y sin a is equal to m, if x cos a plus y sin a is equal to m, okay? And x sin a and x sin a minus y cos a. y cos a is equal to m then prove that x square plus y square is equal to x square plus y square is equal to m square plus n square ठीक है लिखते हैं हम क्या कर सकते हैं हम एक काम करते हैं इधर m है इधर n है हम क्या करेंगे x cos a plus y sin a whole square ठीक है plus x sin a minus y cos a whole square को हम लिख सकते हैं अब क्योंकि ये हो गया m square ये हो गया n square ये इधर आ गया हमारा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चलो राइट हैंड साइड एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया इधर लोग ऊपर एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब इसको करेंगे एक्सपेंड सो ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस टू एक्स कॉस ए टू एक्स कॉस ए वाई साइन ए ठीक है फिर प्लस उसको एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर
cos स्क्वायर a माइनस 2x साइन a एंड y cos a, ठीक है। अब ये देखो 2x y cos a साइन a, 2x y cos a साइन a, ये प्लस माइनस ये हो गया कट, ठीक है। नाउ टू डू x स्क्वायर cos स्क्वायर a, x स्क्वायर sin स्क्वायर a, ठीक है। ये हमारा इस साइड लिखेंगे x स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस x स्क्वायर sin स्क्वायर a, ठीक है। फिर प्लस हम ले सकते हैं, अब ये और ये टर्म रह गया y स्क्वायर sin स्क्वायर a, y स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस y स्क्वायर cos स्क्वायर a। राइट हैंड साइड में क्या है, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो यहां से x कॉमन, x स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। That is equal to m square plus n square. ये हमारा हो गया वन, और ये भी हो गया वन, तो हो गया x square plus y square equal to n square plus n square. Hence true. ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे।